भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले जयशंकर साहब जी के अब एक ही हमले ने चाइना के परकच्चे उड़ा के रख दिए हैं। और जयशंकर के इस हमले के बाद अब चाइना तिलमिला उठा है और पहली बार यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की वीटो पावर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चीन का यह बयान यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की परमानेंट सीट को लेकर आया है, क्योंकि जयशंकर साहब जी ने ड्रैगन की पूरी दुनिया के सामने वो नस दबा दी है, जिसके बाद अब ड्रैगन बिलबिला रहा है। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि जयशंकर साहब जी ने चाइना पर किस बात को लेकर हमला किया था, और अब जयशंकर साहब जी के इस हमले के बाद चाइना ने यूनाइटेड नेशन के अंदर पहली बार संयुक्त राष्ट्र के विस्तार पर क्या बयान दिया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन के अंदर पिछले काफी समय से भारत की परमानेंट सीट को लेकर पूरी दुनिया समर्थन कर रही है, लेकिन अकेला चाइना भारत की परमानेंट सीट में रोड़ा अटका रहा है, क्योंकि चाइना यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है जबकि भारत नॉन परमानेंट। इसलिए अब भारत ने भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए और अपनी वीटो पावर हासिल करने के लिए यूनाइटेड नेशन को हर मंच पर बेइज्जत कर रहा है। लेकिन इस बार जयशंकर साहब जी ने एक नया खेल कर दिया है और रिसेंटली चाइना पर एक बड़ा हमला करते हुए एक बड़ा बयान दिया था। बस इसी बड़े बयान की वजह से चाइना अभी तक बिलबिला रहा है। आपको याद हुआ कि रिसेंटली जयशंकर साहब जी ने दिल्ली में हुए रायसीना डायलॉग के एक पोस्ट कार्ड में चाइना पर हमला करते हुए कहा था कि यूएनएससी के सुधारों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई पश्चिमी देश नहीं है, जिससे जयशंकर साहब जी ने सीधा सीधा हमला चाइना पर ही किया था, क्योंकि पूरी दुनिया भारत की परमानेंट सीट को लेकर समर्थन कर चुकी है सिवाय चाइना को छोड़कर। और ड्रैगन को भी ये बात अच्छे से पता थी कि जयशंकर साहब जी ने इस बार हमला हम पर ही किया है, क्योंकि आप लोग इस आर्टिकल में साफ देखिए कि बिगेस्ट अपोजर टू यूएनएससी रिफॉर्म्स इज नॉट ए वेस्टर्न नेशन से जयशंकर, यानी कि जयशंकर साहब जी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि यूएनएससी रिफॉर्म्स को अपोज करने में किसी भी वेस्टर्न नेशन का हाथ नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर हैं रशिया, फ्रांस, यूके और अमेरिका जैसे देश भी भारत की परमानेंट सीट को लेकर सपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन चाइना नहीं चाहता कि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने। इसलिए अब चाइना ने भी खुद का बचाव करते हुए पहली बार यूनाइटेड नेशन के अंदर एक बड़ा बयान दिया है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ है कि आफ्टर बिगेस्ट अपोनेंट जेव वाई जयशंकर चाइना से यूएनएससी रिफॉर्म्स शुड नॉट सर्व द फ्यू, यानी कि चाइना पर जयशंकर साहब जी के एक बड़े प्रहार के बाद चाइना ने यूएनएससी को लेकर कहा है कि कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर सुधार करवाना चाहते हैं। दरअसल चाइना की तिलमिलाहट में भारत का डर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना को भी इस बात का डर है कि अगर भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट मिली तो चाइना का एशिया से प्रभुत्व बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा और भारत एशिया का नया किंग बन के उभरेगा, क्योंकि मोदी के राज में इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में पहले से ही भारत ने चाइना की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और अब धीरे धीरे भारत चाइना का हर क्षेत्र में सफाया कर रहा है। इसलिए अब चाइना ने जयशंकर साहब जी के हमले का जवाब देते हुए ये साफ कर दिया है। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि अगर यूएनएससी के अंदर सुधार करने हैं तो सभी सदस्य देशों को मिलकर गंभीर और गहन परामर्श के माध्यम से यूएनएससी के सुधारों पर सहमति बनानी चाहिए और यूएनएससी के अंदर सुधार इस तरीके से होने चाहिए कि कुछ लोगों के स्वार्थों की पूर्ति के बजाय सभी सदस्य देशों को लाभ होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।